जोड़ एडिशन से परिचय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता, आपका इस पाठ में स्वागत है। चलो देखते हैं कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। चीजों में एक और चीज जोड़ने से क्या होता है और संख्याओं का जोड़ एडिशन कैसे करते हैं। आज पिंकी की माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, तो उसने सोचा क्यों ना वो किचन में थालियाँ जमाने में उनकी मदद कर दे। उसने एक थाली उठाई और उसे शेल्फ में अच्छी तरह जमाया। फिर उसने बहुत सावधानी से एक और थाली उठाई और उसको भी शेल्फ में जमा दिया। तो दोस्तों, अब शेल्फ में कितनी थालियाँ हैं? जी हाँ, एक थाली और एक और थाली, तो अब हो गई दो थालियाँ। उसे एक और थाली दिखी, उसने सोचा इसे भी जमा दूं। पहले ही दो थालियाँ थीं, अब एक और थाली जमाने के बाद कितनी थालियाँ हैं शेल्फ में? जी हाँ, दो थालियाँ और एक और थाली, तो हो गई तीन थालियाँ। यानी शेल्फ में अब कुल मिलाकर है तीन थालियाँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि दी गई चीजों में और चीजों को जोड़ने से उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। पिंकी स्कूल में भी अपनी अध्यापिका की चीजों को जमाने में मदद करती है। आज कला की कक्षा में उसने सभी को रंग के डिब्बे बांटे। देखते हैं आज कक्षा में क्या हो रहा है। आज सब बच्चों को पेड़ों का चित्र बनाना है। पिंकी ने सोचा क्यों ना एक जंगल का चित्र बनाया जाए। उसने शुरुआत की एक पेड़ से। क्योंकि घना जंगल था, उसने एक और पेड़ बनाया। पिंकी, तुमने चित्र में क्या बनाया है? मैंने पहले एक पेड़ बनाया और फिर एक और पेड़ बनाया, तो कुल मिलाकर मैंने दो पेड़ बनाए हैं। एक और पेड़ बना दो तो कितने पेड़ हो जाएंगे? ये लीजिए मैम, दो पेड़ और एक पेड़ और, तो यह बन गए कुल मिलाकर तीन पेड़। बहुत अच्छे पिंकी। अच्छा, अगर मैं इन तीनों पेड़ों के साथ एक और पेड़ बना दूं, तो कुल कितने पेड़ हो जाएंगे? तीन पेड़ और एक पेड़ और, तो कुल मिलाकर हो गए चार पेड़। बहुत अच्छे पिंकी। अच्छा, चार पेड़ों के साथ एक और पेड़ बना दूं, तो अब कितने पेड़ हो गए? चार पेड़ और एक और पेड़, तो कुल मिलाकर बन गए पांच पेड़। बहुत अच्छे पिंकी। चलो अब अपना चित्र पूरा कर लो। तो बच्चों, क्या आप भी पिंकी की तरह चीजों को इकट्ठा कर उनकी कुल संख्या बता सकते हो? आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि दी गई चीजों में और चीजें जोड़ने से उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। अगली वीडियो में हम ऐसे कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों।